हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल छारी और स्वागत है आप सभी का बिजनेस आइडिया इन हिंदी में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जिसकी मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। इवन कोरोना पैंडेमिक में जब सारे के सारे बिजनेसेस बंद हो गए तभी इन प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टोस्ट बिजनेस के बारे में, ब्रेड बिजनेस के बारे में। हमारे घर में डेली सुबह सुबह टोस्ट या ब्रेड दोनों में से एक चीज़ ज़रूर कंज्यूम होती है। शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो चलिए मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करता हूँ। अकॉर्डिंग टू डेटा, ब्रेड का रेवेन्यू है 1,90,000 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, और ब्रेड बिजनेस की जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो है 6.7% CAGR 2022-2025। जैसा आप डेटा में देख सकते हैं, अगर कहीं हम बात करें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इन चीज़ों से कहाँ पे आता है, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इन चीज़ों से आता है चाइना में। जी हाँ दोस्तों, और अगर कहीं मैं आपसे बात करूँ हमारे इंडिया में पर पर्सन रेवेन्यू कितना आता है, तो पर पर्सन रेवेन्यू आता है ऑलमोस्ट 1,400 रुपये। और अगर कहीं मैं आपसे बात करूँ पर पर्सन कंजम्पशन की, तो पर पर्सन कंजम्पशन है हमारा 21.5 kg। अगर कहीं आप चाहते हैं इस बिज़नेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ मशीन कहाँ से ख़रीदें, मशीन कौन कौन सी ख़रीदें, आपको मार्केटिंग कैसी करनी चाहिए, आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रखना चाहिए, और भी काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें, आपको लाइसेंस कौन सा लगेगा। तो थोड़ा सा भी इस वीडियो को मिस मत कीजिए। और आगे जाने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर कहीं आपको वीडियो पसंद नहीं आता तो आप आगे जाकर डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे एक सिग्नल भी मिलता है कि मैं वीडियो अच्छी बना रहा हूँ या ख़राब वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ दोनों बटन में से एक बटन ज़रूर दबाइए। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी मशीन की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले हमें चाहिए स्पाइरल मिक्सर, और हम इसे डो मेकर भी कहते हैं। डो मेकर की मदद से हम लोग रॉ मटेरियल को डो में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही हमारा डो बन जाता है, उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है डिवाइडर मशीन की। डिवाइडर मशीन में हमारा डो इक्वल साइज में कट कर बाहर निकलता है। जैसे ही हमारा डो इक्वल साइज में बाहर आ जाता है, उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है रस्क मोल्ड की और बेकिंग ट्रे की। ट्रे में रखकर हम डो को बेक होने के लिए रख देते हैं। बेक होने के बाद में हमें ज़रूरत पड़ती है टोस्ट स्लाइसर मशीन की। टोस्ट स्लाइसर मशीन की मदद से हम बेकिंग ब्रेड को टोस्ट के शेप में उसको काट लेते हैं। उसके बाद में हमें ज़रूरत पड़ती है रोटरी रेक ओवन की। अगर कहीं आपका कम बजट है, आप छोटे लेवल पर इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप डेक ओवन का भी यूज़ कर सकते हैं। टोस्ट को बेक होने के लिए आप उसको रोटरी रेक ओवन में आधे घंटे के लिए रखते हो 180 डिग्री सेल्सियस से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है पैकिंग मशीन की। उसके बाद आपका टोस्ट बनके रेडी हो जाता है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको इन सारी मशीन्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर कहीं आप सेमी ऑटोमेटिक प्लांट लगाना चाहते हैं, तो आप इसमें से कुछ मशीन को रिमूव कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूं इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट की, तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, सेमी ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक। आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं 5 लाख से लेकर 30 लाख 40 लाख रुपये तक। ये डिपेंड करता है आप कहाँ से मशीन खरीद रहे हैं और कौन सा प्लांट लगा रहे हैं। अब हम बात करें रॉ मटेरियल की, यानी कि टोस्ट बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपको चाहिए मैदा, सूजी, शक्कर, घी, ग्लूकोस, कस्टर्ड, मिल्क, इलायची, ईस्ट, इम्प्रूवर। ये सारा का सारा रॉ मटेरियल आपको इजीली आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉय की, तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। कहीं आप छोटे से छोटा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो उसमें आपको चाहिए कम से कम 3 एम्प्लॉय। और 3 एम्प्लॉय के बाद में अगर कहीं आप बड़ा प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो आपको
तकरीबन 15 से 20 और इससे ज़्यादा भी लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है कम्प्लीटली आपके प्रोजेक्ट पर। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि मार्केटिंग कैसे करेंगे, सेल्स कैसे करेंगे। इससे आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में, क्योंकि मैंने एकदम ही अलग मार्केटिंग का आइडिया आपको बताया है। अब हम बात करते हैं लाइसेंस की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइसेंस है FSSAI का लाइसेंस। जब भी हम कोई एडिबल प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है FSSAI के लाइसेंस की। जी हाँ दोस्तों, और मैं बात करूँ अदर लाइसेंसेस की, जैसे GST नंबर हुआ, आधार उद्योग हुआ और फायर एंड पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से NOC, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंसेस आपको लगेंगे। तो अब हम देखते हैं मार्केटिंग कैसे करें। मार्केटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी बिजनेस का, क्योंकि सारे के सारे बिजनेस डिपेंड करते हैं सेल्स पर और सेल्स होती है मार्केटिंग से। ये गोल्डन रूल है। अगर कहीं मैं आपको एक आइडिया दूँ मार्केटिंग का, तो रिटेल शॉप पर जहाँ पर आपका टोस्ट बिकने वाला है वहाँ पर आप एक प्रोडक्ट शेप में अपना बलून लगा सकते हैं। प्रोडक्ट शेप बलून मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। प्रोडक्ट शेप बलून ऐसे होते हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आप हर एक दुकान पर जाकर लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इस बलून को आप टोस्ट शेप में डिज़ाइन करवाएं और इस पर कोई भी अच्छा कोट डिज़ाइन करें। अगर कहीं आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछोगे कि सर क्या कोट होना चाहिए इसके ऊपर जो रिमार्केबल रहे, तो मैं आपको नीचे कमेंट में बताऊंगा। तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछिए सर कैसा कोट होना चाहिए जो लोगों को याद रहे। अब हम बात करते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। तो दोस्तों, आप अपने माल को दो तरह से बेच सकते हो। फर्स्ट वन, आप खुद बेच सकते हो या फिर किसी एम्प्लॉय के थ्रू बेच सकते हो। और सेकंड, आप रीसेलर के थ्रू बेच सकते हो। जी हाँ दोस्तों, रीसेलर वो पर्सन होता है जो मैन्युफैक्चरर से सामान उठा के लेके जाएगा और रिटेलर को जाके दे देता है। ऐसे मार्केट में बहुत सारे रीसेलर्स आपको मिल जाएंगे। अगर कहीं आप रीसेलर के थ्रू अपना माल बेचना चाहते हो, तो वहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल रीसेलर के कंट्रोल में होता है। स्टार्टिंग में आपको वहाँ से बूस्ट काफ़ी अच्छा मिल सकता है, क्योंकि रीसेलर के ऑलरेडी काफ़ी सारे रिटेलर्स होते हैं जहाँ पे वो आपका माल पटक सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आपको जो भी पेमेंट आएगा वो डिले होकर आएगा, और पेमेंट डिले आपकी तब भी रहेगी जब आप खुद माल बेचने के लिए जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में रिटेलर आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर कहीं वो आपको एक्सेप्ट करते भी हैं तो वो आपको कैश पेमेंट नहीं देंगे। इसलिए आप डिसाइड कर लीजिए आपको खुद जाके बेचना है या फिर रीसेलर के थ्रू बेचना है। ठीक है दोस्तों, आपको मेरा एक पर्सनल सजेशन है। जैसे अगर कहीं आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो उस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आप अपने लोकल एरिया में जाकर रिसर्च करें, क्योंकि आप बिज़नेस वहीं करने वाले हैं। अगर कहीं मैं आपको अपना माइंडसेट बताऊंगा, तो मैं अपना माइंडसेट लेके चल रहा हूँ मेरी लोकेशन का, लेकिन आपकी लोकेशन एकदम अलग है। इसलिए आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानिए, आप अपने लोकल कॉम्पिटिटर्स को देखिए, आप अपनी लोकल मार्केट को देखिए, उसके हिसाब से कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। आप YouTube पर वीडियो देखकर एक बिज़नेस का आइडिया ले सकते हैं, लेकिन मार्केट रिसर्च आप अपने लोकल मार्केट में ही कीजिए कि उसकी डिमांड कितनी होने वाली है और उसकी डिमांड अभी करंट में कितनी है। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा पर्सनल सजेशन आपको। दोस्तों, अगर कहीं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कहीं आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था। लेकिन दोनों बटन में से एक ज़रूर दबाइए। और अगर कहीं आप इस चैनल पर नए हैं, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि हर बिज़नेस में बिज़नेस डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं मार्केटिंग स्ट्रेटजी और सेल्स आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। इसलिए आप सारी की सारी वीडियो देखिए, क्या पता आपके बिज़नेस में कौन सी वीडियो अच्छा काम कर जाए। थैंक यू।